नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, हमारा RRCAT का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है हमारा RRCAT, ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। और इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी है। एडवर्टाइजमेंट नंबर RRCAT 01/2022 देख सकते हैं। और इस फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है 17 मई 2022, इसका लास्ट डेट रखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू फिल अप द फॉलोइंग पोस्ट इन राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी इंदौर MP। तो इंदौर MP का ये हमारा वैकेंसी है, यहाँ पर देख सकते हैं। और गवर्नमेंट सर्विस टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वोमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई। ठीक, यहाँ पर पोस्ट कोड A1 है। यहाँ पर देख सकते हैं, नेम ऑफ द पोस्ट टेक्निकल ऑफिसर D है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है। यहाँ पर डिसिप्लिन नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 1 है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर B या B.Tech मांगा गया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में या इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में, कम से कम 60% मार्क के साथ। और 4 ईयर कमुलेटिव प्रैक्टिकल रिलेवेंट एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। या आपके पास ME या MTech हो तो भी आप लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी, आपके स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाएगा इसके बारे में है। एज जो है आपका 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पे यहाँ पर 67,700 है दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर जो दूसरा पोस्ट कोड है वह A2 है, जो कि टेक्निकल ऑफिसर D वालों के लिए है। यहाँ पर डिसिप्लिन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है, जो कि अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए वैकेंसी है। बी या बी टेक होना चाहिए आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कम से कम 60% के साथ, 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। या आपके पास यहाँ पर MTech या MME हो 60% के साथ तो भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद पोस्ट कोड जो यहाँ पर है B1, यहाँ पर देख सकते हैं नर्स A वालों के लिए दिया गया है। और यहाँ पर SSC वालों के लिए रिजर्व रखा गया है, जो कि एक सीट है। ये कक्षा 12 पास होना चाहिए एंड डिप्लोमा होना चाहिए आपका नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में, 3 साल का कोर्स प्लस वैलिड रजिस्ट्रेशन एज ए नर्स फ्रॉम सेंट्रल या स्टेट नर्स काउंसिल इन इंडिया में, या BSc नर्सिंग होना चाहिए आपका, या फिर नर्सिंग A का सर्टिफिकेट, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पर देखिए, इसके बारे में बताया गया कि आपका जो होगा ये पेपर पहले 3 स्टेज में होगा, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड और स्टेज थर्ड। स्टेज फर्स्ट जो आपका प्री टेस्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट रहेगा, इसमें देख सकते हैं आपका 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन साइंस के, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे। और 3 नंबर दिया जाएगा, 1 क्वेश्चन सही होने के लिए, 1 क्वेश्चन गलत होकर 1 नंबर काट लिया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोवेस्ट कट ऑफ जो रहेगा 30% से कम नहीं रहेगा, ठीक, फर्स्ट स्टेज के लिए। सेकेंड स्टेज के लिए भी आपका कह रहा है कि इसकी ऑल कैंडिडेट स्क्रीन इन स्टेज फर्स्ट विल बी अंडरटेक द एडवांस टेस्ट इन नर्सिंग ट्रेड। नर्सिंग ट्रेड में एडवांस टेस्ट कराया जाएगा जो भी स्टेज फर्स्ट के स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे, ठीक। बाकी ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना देख सकते हैं। और यहाँ पर लिखा गया कि स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड विल बी कंडक्टेड ऑन सेम डे, यानी कि स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड दोनों एक ही दिन आपका होगा। अगर आप स्टेज फर्स्ट स्टेज सेकंड क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा। तो ये हो गया इसके बारे में। बाकी यहाँ पर मिनिमम जो एज होना चाहिए 18 साल, मैक्सिमम 35 साल होना चाहिए। पे दिया गया यहाँ पर 44,900। और पोस्ट कोड जो है यहाँ पर सब ऑफिसर B1 के लिए, यहाँ पर कहा कि कक्षा 12 पास होना चाहिए साइंस और केमिस्ट्री के साथ, कम से कम 50% मार्क हो, प्लस पास सब ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज प्लस आइदर आर मेंशनड बिलो। तो ये सब जो कुछ भी है आप अपना देख सकते हैं, 12 ईयर, 5 ईयर लीडिंग फायरमैन, 5 ईयर रिलियंट है, ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना चेक कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में वही है कि इसमें आपका 3 स्टेज रहेगा। 3 स्टेज में यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं क्या क्या रहेगा। स्टेज फर्स्ट वही है कि अप्लीकेंट हु फिल द रिक्वायरमेंट विल बी कॉल्ड फॉर असेसमेंट ऑफ द फिजिकल टेस्ट स्टैंडर्ड पर टेबल 1, यहाँ पर जो दिया गया है उसके अनुसार होगा। इसके बाद दोज हु मीट द फिजिकल स्टैंडर्ड विल रिक्वायर टू अंडर ओ फिजिकल असेसमेंट टेस्ट एज पर द टेबल 2 एंड ड्राइविंग टेस्ट आपका कराया जाएगा। अब यहाँ पर देख, स्टेज 2 जो होगा इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के रहेंगे। और इसके बाद 3 मार्क का दिया जाएगा 1 क्वेश्चन सही होने के लिए, 1 क्वेश्चन अगर गलत होगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। और यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए कम से कम 40% से ज़्यादा नंबर लाना अनिवार्य है। और बाकी और
जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 30% से ज़्यादा नंबर लाना अनिवार्य है। इसके बाद आप अगर स्टेज सेकंड पास कर लेते हैं तो स्टेज थर्ड के लिए बुलाया जाएगा। कह रहा ऑल कैंडिडेट स्क्रीन स्टेज टू विल बी अंडरटेक एन एडवांस टेस्ट रिलेटेड टू देयर कोर्स इन स्टेज थ्री। इसमें भी आपको स्टेज थ्री में 50 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर दिए जाएंगे क्वेश्चन सही होने के लिए, 1 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। और जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको कम से कम 30% से ज़्यादा लाना अनिवार्य है, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको 20% से ज़्यादा लाना अनिवार्य है। और फाइनल सिलेक्शन जो होगा यह होगा सिर्फ स्टेज थ्री पर, यानी कि स्टेज थ्री पर निर्भर करेगा आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट। तो इसके बारे में हो गया। और स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड आपका सेम दिन में कंडक्ट कराया जाएगा। एज जो होना चाहिए 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए। 35,400 यहाँ पर पे स्केल दिया गया है। और नेचर ऑफ ड्यूटीज के बारे में बताया गया है। बाकी पोस्ट कोड B2 टेबल 1 ये सब जो कुछ भी दिया कि हाइट 165 होना चाहिए, वेट 50 kg, चेस्ट 81 सेंटीमीटर, चेस्ट 86 सेंटीमीटर एक्सपेंशन के साथ होना चाहिए, विजन 6x6 होना चाहिए, इन सब के बारे में फॉर पोस्ट कोड B2 टेबल दिया गया है। क्या क्या है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, सब कुछ यहाँ पर डिटेल अपना चेक कर लीजिएगा। बाकी ये सब जो कुछ भी डिटेल है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर ट्रेवलिंग अलाउंस भी है। कह रहा है रिटन टेस्ट इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड एट RRCET इंदौर MP वनली, यानी कि जो आपका सेंटर बनाया जाएगा एग्जाम का, रिटन एग्जाम का, ट्रेड टेस्ट का और इंटरव्यू का, ये आपका इंदौर में केवल होगा, बाकी और कहीं पर नहीं होगा। और अप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू विजिट कंसेंट्री, ये जो दिया गया है RRCET.gov.in/HRD ओपनिंग में जाके, करंट ओपनिंग में जाके आप लोग इसका एडवर्टाइजमेंट पूरा चेक कर सकते हैं, ठीक। बाकी यहाँ पर ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना फॉर्म भरने से पहले डिटेल चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है, तो ओनली ऑनलाइन अप्लीकेशन विल बी इंटायर्ड, तो यानी कि आपका जो फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन तरीके से भरा जाएगा। और इस फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट है 17 मई 2022 इसका लास्ट डेट रखा गया है। और ये जो लिंक है इसे आप लोग कॉपी पेस्ट करके आप अपना खोल सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। बाकी आपको एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। और जो कुछ भी अपडेट होगा कल लेटर रिटन टेस्ट इंटरव्यू आपको बताया जाएगा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के जरिए। बाकी ये सब जो कुछ भी डिटेल है आप अपना पढ़ सकते हैं। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, सिग्नेचर लगाना है, सर्टिफिकेट लगाना है, एज के अपने प्रूफ के लिए कक्षा 10 का मार्कशीट लगा सकते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट और ये जम्मू कश्मीर वाला सर्टिफिकेट जो कुछ भी अगर है तो लगा देंगे, अन्यथा छोड़ देंगे। बाकी वैलिड प्रूफ है जो कुछ भी है ये सब अपना देख लीजिएगा। बाकी और उसमें ख़त्म हो गया, बाकी कुछ खास नहीं है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।